नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज अपने बात करते हैं सुपर ब्रेन की। यानी कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जी क्या आपके सामने कोई वीडियो कैसेट चलती है क्या, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने साथ और लोग भी जुड़ सकें और जो महिलाएँ बाल अपराध वाले टॉपिक चल रहे थे वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे भी समय मिला मैं आप लोगों से मुखातिब आता रहूँगा। तो बात करते हैं कहाँ से शुरुआत करें, चलो राणा सांगा से शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे बोलते रहना। राणा सांगा यानी संग्राम सिंह था। राणा सांगा जो गद्दी पर बैठता है 1509 में, जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ 1509 में, तब दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था। आप इसको वॉइस रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली में राजा सिकंदर लोदी था। वो सिकंदर लोदी जिसने शहर बसाया था आगरा। कौन सा शहर बसाया? आगरा शहर बसाया था 1504 में यमुना नदी के किनारे, और 1506 में राजधानी बनाया था। जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब वो राजा सिकंदर लोदी था जिसका वास्तविक नाम निजाम शाह था, और वो गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखा करता था। उसकी माता एक सुनार महिला थी, ठीक है। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी था जिसने कतरियासर में 500 बीघा जमीन दान की थी जसनाथ जी को। जसनाथी संप्रदाय के लोग 36 नियम मानते हैं और एक अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य करते समय फायरे फायरे नहीं बोलते, फतेह फतेह बोला करते हैं। फायरे फायरे नहीं बोलते, फतेह फतेह बोला करते हैं अग्नि नृत्य करते समय, और मतिरा फोड़ना का संबंध अग्नि नृत्य से है। जसनाथ जी ने सिंबू दड़ा व कोडा नामक ग्रंथ लिखे हैं। गोरख माल्या नामक पहाड़ी पर उन्होंने तपस्या की थी। और सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी था जिसने जाम्बोजी से प्रभावित होकर गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। जाम्बोजी जिनका वास्तविक नाम धनराज है, और उनको बचपन में गुंगा गैला कहते थे, उसके बाद में पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से वो मशहूर हुए। तो हम बात कर रहे थे सिकंदर लोदी और राणा सांगा की, हम जाम्बोजी को आगे लेकर चलते हैं। जाम्बोजी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ, तो उन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, लेकिन बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो उनको विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में 20+9 नियमों पर आधारित समराथल में बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी थी। उनकी प्रमुख जो पीठ है वो मुकाम में है। कहाँ पर है? मुकाम में है। उन्हीं से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद सांगा की बात करें कि जो सांगा है उसने बाबर के साथ युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध किया था? बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और फिर राणा सांगा के साथ वो युद्ध करने आता है। बयाना के युद्ध में पराजित हो जाता है और खानवा के युद्ध में वो विजेता बन जाता है। और के बाद में मध्यकालीन जो भारत यानी मुगल जो वास्तविक सत्ता की स्थापना करते हैं वो इस खानवा के युद्ध के बाद करते हैं। बात करते हैं बाबर की। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था फरगना में। कहां पर हुआ था? फरगना में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था कुतलुक निगार खानम, माता का नाम एहसान दौलत बेगम, उनकी दादी का नाम था। तैमूर के पितृपक्ष की ओर से 5वें वंशज थे, माता की ओर से चंगेज खां के 14वें वंशज थे। बाबर ने भारत पर 5वां आक्रमण किया था। और बाबर जो है पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है। किसको हराता है? इब्राहिम लोदी को हराता है। इब्राहिम लोदी को हराता है तो वो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक होता है जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में मध्यकालीन भारत की, तो 5 राजवंश हुए थे। पहला राजवंश हमारा अंगूठा गुलाम है, तो कौन सा था? गुलाम वंश। दूसरा खिलजी नहीं खुजली है, तो दूसरा खिलजी राजवंश। तैसे तीसरी तुगलक वंश। सभी का साथ देती है सैयद वंश। और ये है लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, फिर 1526, फिर बाबर आया था 1526 में। 1526 से 1530 तक बाबर रहता है। 1530 से 1556 तक हुमायूं, 1556 से 1605 तक अकबर, 1605 से 1627 तक जहांगीर, 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहां, और 1658 से 1707 तक औरंगजेब रहता है। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, जब वो साथ छोड़ जाता है, तो देबारी समझौता होता है। क्या होता है? देबारी समझौता। देबारी समझौता जो था वो 1707 में हुआ था। कब हुआ था? देबारी समझौता 1707 में हुआ था। देबारी समझौते में क्या तय होता है कि जो चंद्र कंवर है उसी से उत्पन्न संतान माधो सिंह जयपुर का अगला राजा होगा। कौन होगा? माधो सिंह। 1707 में अगर हम 100 जोड़ देते हैं तो 1807 आता है। क्या आता है? 1807 आता है, जिसके बारे में बताएंगे अपने
नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, ठीक है। कृष्णा कुमारी विवाद होता है 1807 के अंदर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर औरंगजेब की। औरंगजेब को आलमगीर कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं। शाहजहाँ के समय कला व्यवस्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। शाहजहाँ ने पुष्कर झील के अंदर बहरादरी का निर्माण करवाया था। जग मिंदरों की प्रेरणा, जग मंदिर जो है पिछोला झील में, उनसे प्रेरणा लेकर उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण जग मंदिर जो पिछोला झील में है, और पिछोला झील का निर्माण पिच्छू बंजारे ने करवाया है। किसने करवाया है? पिच्छू बंजारे ने करवाया है। राणा लाखा के समय करवाया था। राणा लाखा के अन्य पुत्र का नाम कुंवर चुंडा था। राणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ हुआ था। हंसाबाई रणमल की बहन थी। रणमल मारवाड़ का राजा था। रणमल मारवाड़ का राजा था। मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो चूड़ा को कहते हैं, और संस्थापक पूछा जाए तो राव सिंह को कहते हैं। चूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। तो मारवाड़ के वास्तविक सामंत प्रथा का संस्थापक राव जोधा को माना जाता है, जिसने मई 1459 में जोधपुर शहर बसाया था और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मोरपंख की आकृति का बना हुआ है मेहरानगढ़ का किला, जिसे मयूर ध्वज, कागमुखी, सूर्यमुखी, गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ में दो देवियों के मंदिर बने हुए हैं। एक का नाम नागनेची माता है, दूसरे का नाम क्या है? चामुंडा माता है। 30 सितंबर 2008 को चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मचने के कारण लगभग 300 लोग मारे गए, तो दसराज चोपड़ा कमेटी का गठन हुआ था। जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। जय नारायण व्यास राजस्थान में शेर राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं। लक्कड़ व फकड़ के धनी कहे जाते हैं, और एक बार मनोनीत और एक बार निर्वाचित दोनों पदों से मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास ने अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका पीप का संपादन किया है। अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका पीप का संपादन किया है। उसके बाद जय नारायण व्यास के बाद में मैं बात करता हूं कि वहां से तीन मुख्यमंत्री मिले थे। एक को जिसने प्यारे मियां के नाम से जानते हैं, बरकतुल्ला खां, और तीसरे जो जादूगर है अशोक गहलोत। 11वीं विधानसभा में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद 12वीं छोड़कर 13वीं में बने, फिर 14वीं छोड़कर 15वीं में। इस प्रकार अपने विधानसभा की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जय जय होती है जय नारायण व्यास की जोधपुर में। जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सांस्कृतिक विरासत का शहर कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है, और मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो जोधा ने शहर बसाया था जोधपुर, जो क्या है कि वहां से भाग जाता है जब कुंभ आक्रमण करता है। कौन करता है? कुंभ आक्रमण करता है। अभी मैं कुंभ का जिक्र कर देता हूं। कुंभ को हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, छाप गुरु, अशोपति, गजपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, तोडरमल, हिंदू सुल्तान, महाराजा धीराज, नंद नंदीश्वर कहा जाता था, उसको परम गुरु कहा जाता था। राय रायण की उपाधि उनको प्राप्त थी। तो कुंभा ने पहली बार आक्रमण किया सारंगपुर के युद्ध में और हरा दिया था महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी को हराया सारंगपुर के युद्ध में, और सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत, 122 फीट ऊंचा है, जिसकी 8वीं मंजिल पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन 3री मंजिल पर तो अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, तो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है गोगा जी के मंदिर पर। बिस्मिल्लाह गोगा जी के मंदिर पर लिखा हुआ है। गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो पुनर्निर्माण उसको नवीन स्वरूप दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने चांदी के किवाड़ भेंट किए थे करणी माता के मंदिर को, और गंगा सिंह ने रामदेव जी का मंदिर बनाया था रुणेचा जैसलमेर में। रामदेव जी का जन्म उड़ंगा समेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ है। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे है। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे है। भाई का नाम वीरमदेव है। बलराम का अवतार माना जाता है। बहन को लाछा और सुगनाबाई है, और जो मेघवाल जाति की रीख्या जो भक्त कहलाते हैं उनको डालीबाई, जो उनकी धर्म बहन थी, उन्होंने एक दिन मानसरोवर की पाल में समाधि ली थी। एक दिन पहले ली थी, तो अगले दिन समाधि लेते हैं कौन? रामदेव जी लेते हैं। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को भरता है। रामदेव जी के पैदल यात्रियों को जातरु कहा जाता है। अर्धरात्रि का जागरण जम्मा कहलाता है। पैदल यात्रियों को जातरु कहते हैं, अर्धरात्रि का जागरण जम्मा कहलाता है। पंचरंगी ध्वजा को निजा कहा जाता है। रामदेव जी की जो कसम होती है उसको आण कहते हैं। रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रीख्या कहा जाता है। रामदेव जी के मेले पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल पादरला गाँव पाली है। उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई थी। मांगी भाई ने अपने जेठ से यह कला सीखी थी। 13 ताली नृत्य में मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और कामर जाति के भक्तों द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है, जो चौथ मलचितेरे के द्वारा तैयार की गई थी। चौथ मलचितेरे ने रामदेव जी की फड़ तैयार की थी, जो कामर जाति के भंपो द्वारा
तेरह ताली वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है और तेरह ताली जो वाद्य यंत्र रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता जो है वो राजस्थान में अधकटे नारियल के समान है, अधकटे नारियल के समान राजस्थान का प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है। तेरह ताली नृत्य किया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद बात करें कि रामदेव जी ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम हड़बू जी है, मौसेरे भाई का नाम हड़बू जी है, उन्होंने अपने ग्रंथ 24 वाणियों में इसका जिक्र किया है। हड़बू जी है जिनका जन्म बुंदेल नागौर में हुआ था और उनके वाहन का नाम सियार है, वहां पर सांकला राजपूत होता है। पुजारी मंदिर के अंदर बेंगटी गांव में मंदिर अजीत सिंह ने बनवाया था, लेकिन बेंगटी गांव की जो जमीन है वो राव जोधा ने सौंपी थी, क्योंकि राव जोधा को उन्होंने कटार दी थी। हड़बू जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। उनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। देवनारायण जी की बात करते हैं, देवनारायण जी जो है, देवनारायण जी गुजर जाति के लोक देवता है। देवनारायण जी का मंदिर है जो देवधाम जोधपुरिया टोंक में है, देवमाली अजमेर में है, डूंगरी देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है, असिंध भीलवाड़ा में है। असिंध भीलवाड़ा गुजरों का तीर्थस्थल कहलाता है। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था, उनके पिता का नाम सुवाई भोज, माता का नाम शेडू खाटानी है, वाहन का नाम लीलागर घोड़ा है, पत्नी का नाम पीपल दे है, जो धार नगरी जयचंद जो राजा थे उनकी पुत्री है, और उनके साथ उन्होंने विवाह किया था। देवनारायण जी ने सबसे पहले नीम का औषधीय महत्व बताया था, उनको पर्यावरण राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, उनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है, नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, सबसे प्राचीन है तो सबसे छोटी है। 2 सितंबर 1992 को उनकी फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। मेरे दोस्त सुरेंद्र गुजर जो सिकर में पढ़ाते हैं वो भी गुजर जाति के हैं, उदयपुर वाटी के रहने वाले हैं। भोपाल गुजर है, हेमराज गुजर है, नारायण जी गुजर है, ये सारे मेरे दोस्त हैं। और गुजरों के बारे में फिर बता देता हूँ, पन्नाधाय गुजर जाति की थी जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था, और विजय सिंह पथिक जो बिजोलिया किसान आंदोलन में आता है जिसे भूप सिंह कहते हैं वो भी गुजर जाति का था। बुलंदशहर गुठावली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। गुजर जाति के ही देवा गुजर ने 1857 की क्रांति में धौलपुर में नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में जिलानी माता है, गुजरों की लोक देवी है, तो देवनारायण जी उनके लोक देवता है। उसके बाद में बात करते हैं उनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था तो एक ऐसे देवता तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज की जय। ठीक है दोस्तों, तो अपने आगे तेजाजी के बारे में बात करेंगे। तेजाजी पर 7 सितंबर 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की। कुछ भी नहीं होने वाला, ये शरीर ऐसा ही रहेगा, आप मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।